देखिए, 8 तारीख को फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत 2 छोटी बच्चियों का अपहरण हो गया था और बाद में 9 तारीख को सुबह जो है उनका एक उसमें से एक बच्ची घायल अवस्था में और दूसरी बच्ची मृत अवस्था में मिली थी। इस संबंध में फुलवारी शरीफ में FIR अंकित करके ASP फुलवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें IPS प्रोफेसनर दीक्षा और DSP प्रोफेसनर चिंकी, इसके अलावा टेक्निकल सेल के इंस्पेक्टर दीपक, SHO नौबतपुर, SHO महिला थाना, SHO बेऊर और कई ऑफिसर्स लगाए गए थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने कई वैज्ञानिक तरीके से और जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है इन्वेस्टिगेशन का, लोकल लेवल पर जाके मल्टीपल टीम्स बना के हम लोगों ने वहाँ की स्थानीय जो छोटी बच्चियाँ थीं, जो महिलाएं थीं, उन लोगों से बात की और उसके बाद जो है जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके आधार पर, संदेह के आधार पर हम लोगों ने 2-3 लोगों को जो है पूछताछ के लिए ले आए थे। पूछताछ के क्रम में जो है इस पूरे मामले का उद्भेदन हुआ है और अभी तक जो बात आई है वो ये है कि एक व्यक्ति हैं उसी जो आलमपुर गाँव है उसके बगल में लगे हुए गाँव है वहाँ, देवानंद राय उर्फ भोपलू, उनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। अनुसंधान के क्रम में हम लोग जो घायल बच्ची है उससे भी जब लगातार एम्स में हमारी जो IPS प्रोफेशनल हैं दीक्षा और DSP जो इस केस की चीफ IO हैं अन्नू, ये पूछताछ कर रही थी तो बच्ची भी बार बार एक ही व्यक्ति की बात बता रही थी। हालांकि उसने 2 महिलाओं की बात की लेकिन हम लोग को शुरू से ये संदेह लग रहा था कि महिलाओं की इसमें भूमिका नहीं होगी, तो बाद में अनुसंधान में यही बात आया कि इस एक व्यक्ति द्वारा ही ये घटना कारित की गई है। घटना का जो विवरण है वो ये है कि दोनों बच्चियां जो हैं वो जो गोबर से बना जो है उपला होता है, गोइठा जिसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको लेने के लिए घर से निकली थी और ये व्यक्ति जो अभियुक्त हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है इनके घर के पास गई थी, इनसे पूछा तो इन्होंने दोनों बच्चियों को ये बताया कि घर में गोइठा नहीं है, खेत में है आगे, ऐसे इस तरह से बहला फुसला के उसको लेकर गए। पहले जो है गांव के बाग बगल में ही कोई एक बाग टाइप है वहां लेकर गए, वहां पर लेकिन फिर एक महिला आती हुई दिखी तो फिर वहां से आगे बढ़ के गांव के बगल में ही नहर है वहां लेकर गए, वहां फिर दूसरी एक महिला आती हुई दिखी तो फिर उसको जो है जो तीसरा घटना स्थल है वहां लेकर गए, क्योंकि उस दिन काफ़ी कोहरा था। हम लोगों ने जो एक दो CCTV फुटेज देखा है उसमें भी काफ़ी कोहरा है जिसकी वजह से कहीं कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। के बाद जो है उसी घटना पर इनके जो जो मृत बच्ची है उसके साथ जो है फोर्सफुली जो है रेप किया गया और जो दूसरी इंजर्ड बच्ची है उसके साथ भी करने का प्रयास किया गया और बाद में जो है जो बच्ची थी जो मृत बच्ची थी उसको वहीं बगल में ही जो निर्माण कार्य से कुछ सीमेंट के टूटे हुए ब्लॉक्स थे उससे उसके सर में, दोनों बच्चियों के सर में मारा गया, जिसमें से एक बच्ची की मृत्यु हो गई और दूसरी बच्ची को भी मृत जानकर ही इनके द्वारा वहां छोड़ा गया था। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद जो है हम लोगों ने अभियुक्त की निशानदेही पर जिस पत्थर से बच्ची को मारा गया था उस पत्थर को भी बरामद कर लिया है कल रात में और उस पत्थर पर भी काफ़ी खून लगा हुआ पाया गया है जिसको हम लोग जब्त करके फर्दर FSL जांच के लिए भेज रहे हैं। इसमें पूछताछ के क्रम में ये भी बात आई, जब हम लोग कल इनसे पूछताछ कर रहे थे तो इन्होंने पुलिस को जो है बहकाने की भी कोशिश की, 2 व्यक्तियों का नाम बताया, लेकिन आगे अनुसंधान के क्रम में उसमें एक और महत्वपूर्ण बात प्रकाश में आई कि जिस व्यक्ति का ये नाम बता रहे थे, जो बता रहे थे कि इनके साथ घटना में शामिल है, उसकी बबच्ची को भी इन्होंने जो है 3-4 महीने पहले गोद में उठा के ले जाते हुए देखा था, लेकिन उसकी माँ ने देख लिया था और उसके बाद शोरगुल करके उसको बचाया था और उस संबंध में भी गांव वालों ने इनके साथ कुछ हल्की फुल्की मारपीट और गाली गलौज किया था, लेकिन इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। उसी के परिवार से जुड़ा एक और व्यक्ति का नाम इनके द्वारा बताया गया था, लेकिन बाद में अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि उस व्यक्ति की माँ को, एक घटना हुई थी फुलवारी शरीफ में 19 अप्रैल को, जिसमें फुलवारी शरीफ में केस नंबर 590-23 है, जिसमें एक 72 साल की महिला को वो अपने घर के दलान में सोई हुई थी, वहाँ से घर से खींच के जो है उसको ले जाया गया था और उसके बाद उसका शव जो है मिला था, उसमें भी उसके सर पे पत्थर से मार के या किसी मजबूत चीज़ से मार के उसकी हत्या कर दी गई थी।
पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने उस घटना में भी अपनी संलिप्तता अकेले ही करने की बात कही। उस घटना में भी हम लोग को काफ़ी आश्चर्य होता रहा क्योंकि 3 अलग अलग जगह ब्लड पाए गए थे। हम लोग उससे पूरी घटना को समझ नहीं पा रहे थे कैसे 3 अलग अलग जगह ब्लड पाए, लेकिन अभियुक्त ने पूछताछ में जब पूरी बात बताई तो उस महिला को ये जो है पहले उसको जो है प्लास्टिक के पाइप से मारा, जब वो अर्ध चेतन अवस्था में हो गई तो उसको बगल के बाग में ले जाके उसके साथ भी इनके द्वारा रेप किया गया था। लेकिन हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की कोई उल्लेख नहीं है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पूछताछ के क्रम में इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और फिर पुनः जो है उसको ला के वापस अपनी जगह रखने का प्रयास किया गया था खींच के, इसीलिए वो 3 जगह ब्लड मिला था। और जो हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे हैं तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी महिला के जो पिछला शरीर का हिस्सा उसमें काफ़ी जगह इस तरह के इंजरीज पाए गए हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसको काफ़ी जो है ज़मीन से ईंट के बल खींचा गया था। तो उस घटना में भी इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उस घटना को भी हम लोग अब फिर से जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन जो हमारा रुका हुआ था उसको फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार जो पटना पुलिस ने इस घटना का पूरी तरह से उद्भेदन कर लिया, जो पीड़ित बच्ची है उसका भी स्टेटमेंट हम लोगों ने लिया, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी तो फिर प्रिस्क्रिप्ट स्टेटमेंट लेकर 164 का स्टेटमेंट कराया जाएगा और आगे जो अनुसंधान है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस केस में कि पूरा इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो इसमें जो एविडेंस हम लोग कलेक्ट किए अभी तक घटनास्थल से और एम्स से जो हमको डॉक्टर्स ने दिया है, तो हम लोग इस बात के लिए पूरी तरह से विश्वस्त आश्वस्त हैं कि साइंटिफिक एविडेंस के बल पर हम लोग शीघ्र ही इस घटना में जो दोषी है उसको सजा दिला पाएंगे। पूर्व बैल चोरी के मामले में ये एक बार जेल जा चुके हैं अब, लेकिन हम लोग उसको फर्दर जो है अपने रिकॉर्ड से वेरीफाई कर रहे हैं। क्या दोनों बच्चियों के दूसरी बच्ची के साथ भी रेप का हुआ है कि जो डॉक्टर ने जो हम लोग को दिया है इंजरी रिपोर्ट दी है उसमें जो उन्होंने कहा है कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कई तरह के हम लोग को सीजर दिए हैं जिसको फर्दर हम लोग FSL जांच के लिए भेज रहे हैं और उसके बाद FSL जांच से जो चीज़ें आएंगी उससे हम लोग कोरोबोरेट करें। इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई, जो मृत बच्ची है उसके साथ इन्होंने 2-3 बार पहले भी प्रयास किया था और उसको 2-3 बार पहले प्रयास करने के क्रम में जो है लेकिन देख लिए जाने के कारण, क्योंकि काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है तो उसको कभी 10-20 रुपये छोड़ दिया था। तो बच्ची जो मृत बच्ची है उसको ये ले जाने का प्रयास किए थे लेकिन अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि घनी आबादी का क्षेत्र होने, जैसा इन्होंने स्वयं ही बताया कि कई बार आते जाते लोग मिल जाते थे। ये घटना भी जब हुई तो उस दिन भी 2 अलग अलग जगहों पर ले जाने के कारण, 2 महिलाओं के आ जाने के कारण ये घटना नहीं कर पाए। यही इस चीज़ को जब हम लोगों ने बच्ची का जो स्टेटमेंट है उससे कोरोबोरेट किया तो वो भी लगातार यही कह रही कि एक आदमी और 2 महिला है, तो हम लोग ये इन्फरेंस ड्रा कर रहे हैं कि वो दोनों महिला वही है। हालांकि अभी तक कोई महिला सामने आई नहीं है लेकिन हम लोग जो है हमने अपने जो ASP फुलवारी हैं और SHO फुलवारी जो SIT के सदस्य हैं हमने इनसे कहा है कि जाएंगे गाँव में और ये अनुरोध करें कि जो 2 महिलाएँ हैं वो सामने आए और उन्होंने देखा है, और आपके माध्यम से भी हम लोग अनुरोध करते हैं अगर वो दोनों महिलाओं ने इस व्यक्ति को दोनों लड़कियों के साथ देखा है तो जरूर सामने आए, पुलिस को स्टेटमेंट दें, हमको जो है अभी उसको सजा दिलाने में काफी मदद मिलेगी। सर आपने बात की कि 2 से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था, ये 2 थे या 3 थे और क्या कुछ सवाल पूछे गए थे जिसके बाद चीजें यहाँ तक आई? वो करता है ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।